Good morning, dear students. Welcome again in the online classes of SPPS. In this video for 6th class in active passive, today I will teach you modal पढ़ा रहा हूँ. आज आपका modal फोर्ड होगा. WULT. इसकी हिंदी क्या होती है देखिए. इसमें इसके यूज काफी होते हैं. इसीलिए फर्स्ट यूज होता है इसी का पास्ट फॉर्म ऑफ मॉडल बिल. बिल का पास्ट फॉर्म होता है इंडक्ट जो यूज किया जाता है. एंड जनरली मॉडल बुड यूज मॉडल बुड का उपयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस अवर पास्ट हैबिट और एक्टिविटी कोई अतीत की आदत या क्रियाकलाप को दर्शाने के लिए. और हिंदी में इसका तथा तिथि आएगा जो प्रेजेंट में नहीं होता है पास्ट डेफिनेट जैसा. ठीक है तो सिंपल सेंटेंस का एक्टिव रूल क्या होता है. फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस मॉडल गुड प्लस B1 ऑब्जेक्ट अदरवर्ड. जैसे कि वह यहाँ एक गीत गाया करते थे इसका अर्थ वह अब नहीं गाती है. वह यहाँ एक गीत गाया करते थे. राम वहाँ रोज एक पुस्तक पढ़ा करता था. राम वहाँ रोज एक पुस्तक पढ़ा करता था. तो सेंटेंस सब्जेक्ट जैसे कि वह एक गाते गया करती तो सी इसके बाद बुड हो जाएगा. फिर B1 क्या हो जाएगा गाना सिंग ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग और हेयर यहाँ पर. ठीक है पैसिव रूल इसका देखो. इन पैसिव रूल वी विल राइट फर्स्ट ऑब्जेक्ट देन मॉडल सेम मॉडल यूज करोगे आप बुड प्लस बी वर्ब की थर्ड बाई सब्जेक्ट अदर वर्ड तो ऑब्जेक्ट. दिस इज वर्ड आ सॉन्ग विल बी योर ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग बोर्ड लिखा बी लिख दो. B3 सिंग की B3 संग बाई सी का हर और अदर वर्ड में हेयर. निगेटिव देखो एक्टिव रूल में सब्जेक्ट मॉडल बोर्ड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड. वह यहाँ एक गीत नहीं गाया करती थी तो सी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मॉडल बुड नॉट बीवन सिंह ए सॉन्ग एयर. पैसिव रूल है थर्ड फॉर्म इसके बाद बाई सब्जेक्ट अदर वर्ड तो ऑब्जेक्ट इज गिवन दिस इज वर्ड आ सॉन्ग विल बी योर ऑब्जेक्ट ये सॉन्ग बुड नॉट बी थर्ड फॉर्म संग बाई हर और हियर कैनोट हो गए. चार इंट्रोगेटिव देखिए क्या होता है. दूसरा इंट्रोगेटिव बताता है. मैंने इंट्रोगेशन वर्ड इज गिवन फर्स्ट इंट्रोगेशन वर्ड प्लस मॉडल बुड सब्जेक्ट B1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड ऑफ क्वेश्चन मार्क. वह यहाँ एक गीत कब गाया करते थे कब की इंग्लिश बैंड. फिर एक मॉडल लगाना आपको बुड ऑब्जेक्ट सी जीवन सिंह सॉन्ग दिया. पैसे रूल देखो इसका. पैसे रूल में इंट्रोगेशन वर्ड इसमें लिखा जाएगा प्लस मॉडल बुड इसके बाद ऑब्जेक्ट बी आ जाएगा फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म
by subject other word question mark. So yeah, interrogation word, जो same interrogation word will be used, which is used in active. भैन लगा दी, इसका मॉडल आपका एक लिखना बोट सब ऑब्जेक्ट ए फॉर्म, फिर इसके बाद बी थर्ड फॉर्म सन बाई सी का हर ऑफ ए आर अदर वर्ड. ठीक है, सेकंड सेंटेंस एज अ होमवर्क. ऑल्सो राइट सेंटेंस सम ऑफ दिस टाइप एंड ट्राई टू सॉल्व दैम इनटू बोथ एक्टिव एंड पैसिव वर्ड. दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. थैंक्स.